पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा से उपजे विवाद के बाद बंगाल में लगातार अलग अलग जगहों से उपद्रव और पथराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीती रात भी हुगली के रिशड़ा रेलवे स्टेशन पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव की घटना को अंजाम दिया। हिंसा के कारण प्रभावित क्षेत्रों में कुछ वक्त के लिए ट्रेन सेवाएं भी बाधित रही। इस दौरान स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी ने फ्लैग मार्च भी किया। हालांकि अब इसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। जहां एक तरफ इन सभी घटनाओं के लिए भाजपा और सीपीएम ममता सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं और सीपीएम द्वारा उन पर लगाए जा रहे सभी आरोपों का खंडन करते हुए भाजपा और सीपीएम पर इन सभी दंगों को करवाने का आरोप लगाते हुए कहा, मुझे हर वक्त अलर्ट रहना होता है कि भाजपा कब कहां जाकर दंगा करा दे। ये लोग समझते नहीं है, बंगाल के लोग दंगा पसंद नहीं करते। दंगा करना बंगाल की संस्कृति नहीं है। हम दंगा नहीं करते हैं, आम लोग दंगा नहीं करते हैं। भाजपा से नहीं हो पाता तो दंगा भड़काने के लिए वो किराए के लोगों को लेकर आते हैं। रामनवमी में जिस युवक की तस्वीर हथियार लेकर देखी गई थी, ऐसा ही सीपीएम करती थी। क्या आप नंदीग्राम, खेजुरी, कोलाघाट, तमलुक की घटनाएं भूल गए या आप सीपीएम का अत्याचार भूल गए हैं? आज सीपीएम बड़ी बड़ी बातें करती है, आज सीपीएम से ही सीख कर भाजपा ने ये रास्ता चुना है। तो वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता पर समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए उन पर निशाना साधा और कहा कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में रामनवमी की शोभा यात्रा को शांति से निकलने नहीं दिया जाता है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने के लिए आगे आ गई है? दुनिया के एक हिस्से में जहां लंबे समय से युद्ध चल रहा है, वहीं भारत में भी देखूं तो जहां एक और शांति का वातावरण है, वहां पर भी रामनामी की शोभा यात्रा पर उसको शांति से नहीं निकलने देते, ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं। जहां भारत के एक हिस्से में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह देती हैं कि हिंदू इस इलाके में ना जाएं, तो क्या मुख्यमंत्री ही समाज को बांटने पर आ गई, क्षेत्र को बांटने पर आ गई? अपने आप में चिंता का विषय खड़ा हो जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस, जो कि दार्जिलिंग के दौरे पर थे, वो भी बीती रात हुई हिंसा की सूचना मिलने के बाद कोलकाता पहुंचे। राज्यपाल बोस ने प्रदेश में हो रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि हम कभी भी अंधेरे की ताकतों को समाज को लूटने की अनुमति नहीं देंगे। हम गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों को शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और ये अधिकार किसी भी कीमत पर स्थापित किया जाएगा। That have been taking place here in the past few days. This is a pernicious trend. We will never allow the forces of darkness, the birds of night, the predators on the freedom of the ordinary man to take society to ransom. We will take strict action against the wrongdoers. People of Bengal have suffered enough. No more of this suffering. People have a right for peaceful living. That right will certainly be established at any cost. Yes, the forces of evil will certainly be contained, destroyed. This is going to be the final solution to this destructive trend which is benumbing society. बहरहाल दंगों से पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त है। सरकार की दंगों को रोकने के सभी प्रयास लगातार विफल हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि बंगाल की ममता सरकार इन सभी दंगों और उपद्रवियों को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाती है। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।